ये वीडियो आपको सारी करनी पड़ेंगी अपने सर्वर पे अपलोड, अभी हम कर नहीं रहे हैं, बट आप क्या कर लेना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके, और बस आपको करनी है चेंज लिंक, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या गलती है ना कि टॉपिक सबका नहीं लिखा है, आप जब अपने सर्वर पर अपलोड करेंगे तो टॉपिक भी डाल दीजिएगा कि वीडियो किस बारे में है। जैसे यहाँ पर ये जो वीडियो है इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है मतलब लिंक कैसे डाले है ना, तो ये वाला आप इसमें लिख सकते हो। ये लैंडिंग पेज बन रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो चाहो तो। अगली जो वीडियो है इसमें भी यही बताया गया है। चलो भीम लगा लेते हैं पहले। ये अलग है, ये पूरा कंप्लीट डेमो है इसमें, तो ये वाली हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये सारी वीडियो हमें लगानी पड़ेंगी, और इसी तरीके से और भी अगर वीडियो हैं, वॉच डेमो वन, डेमो टू, डेमो थ्री, ये आप कर लेना, जितनी आपको ज़रूरी वीडियो लगे वो सारी वीडियो आपको डालनी है। इसमें तो काफ़ी सारी वीडियो दी गई है ना, ये सारी वीडियो कायदे से डाल के आपको ये लैंडिंग पेज पूरा तैयार करना है, ठीक है, ये सारा रेडी कर लो सारे लोग साथ साथ में। सारी वीडियो डाउनलोड करके वीमियो पर एक अकाउंट बना लो व्हाट्सएप के अंदर, या फिर अगर आप ऐसा कर सकते हो अपनी वीडियो खुद बना लो सबसे बढ़िया है ना, आप अपनी वीडियो तो बना ही सकते हो और इससे अच्छी वीडियो बना सकते हो, एक ही वीडियो में सारा कुछ बना लो। तो यहाँ पर है नंबर फिल्टर वाला, तो नंबर फिल्टर वाला हमने अभी शायद नहीं बनाया है, चलो उसके ऊपर देख लें कहाँ तक बन गई थी हमारी वीडियोस, यहाँ तक बन गई थी सब है ना, यहाँ तक बल्क ग्रुप ज्वाइनर, बल्क ग्रुप ज्वाइनर ये वाली वीडियो थी, इसको लगाना था यहाँ यूट्यूब, आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है।
ये हमारा यहाँ तक रेडी हो गया था। बाकी यहाँ पर वॉच डेमो वन करके एक है, इसमें क्या बताया है इन लोगों ने, क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट, ठीक है, ये आप ले लो। डुप्लीकेट क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग, करते चलना साथ साथ में, क्योंकि अब ये सब चीज़ें आपको पता हैं। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सारा कुछ स्क्रीनशॉट भी आप लगा देना। इसमें अच्छी बात क्या है कि ऑटोमेटिक गूगल मैप स्क्रैपर भी है, गूगल मैप से ऑटोमेटिक डेटा भी निकाल लेगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ तक हो गया अपना। अब ग्रुप फाइंडर भी है इसमें, अच्छा। साथ साथ में करते चलना सब लोग, ठीक है। तो लगभग सारी वीडियो लग गई हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 116 वीडियो है टोटल। तो अगर हम चार चार का लेते सेक्शन तो हमारा काम बन जाता है। तो एक काम करते हैं, चार का ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, जो कहानी कर रहे हैं सबको समझ में आ रही, अब तो आने लगा होगा, ठीक है। तो चलो भैया, इतनी मेहनत हमारी सफल हो गई है लगभग, एक बार प्रीव्यू देख लिया जाए खुशी के लिए। तो ये हमारा, अच्छा ये वीडियो डिलीट कर दी ना, इसलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो हम यहाँ से ले लेंगे। देखो ज़रा ग्रुप फाइंडर कहाँ है, ये है, ये सारी वीडियो जो इन्होंने बनाई है, ये सारी वीडियो आप क्रिएट कर लेना। ये जो भी ऑनर है वो बनाए होंगे। यहाँ पर देखो ये सारी वीडियो है ना, इनिशियलाइज एरर आती है, उसको कैसे रिजॉल्व करें, यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ये सारी वीडियो आप बना लेना। थोड़ा तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से है आपका, सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे आपके, ठीक है, इसको हम एज अ डेमो लगा दे रहे हैं। इस तरीके से आप अपना पेज कर लेना फाइनल, ठीक है। अभी यहाँ पर सारी वीडियोस भी लग गई हैं। अब क्या लगाना है हमें, फीचर हो गया, वीडियोस हो गया, टेस्टिमोनियल्स अगर आपको लगाने हैं आप लगा सकते हो। FAQ भी दिया है इन्होंने, देखो, तो FAQs भी यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। सब कुछ तो मिल गया यार, कॉपी पेस्ट करो बस। FAQ वाला जो हम लोग बनाए थे डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आप एज अ सेक्शन सेव कर लेना अगर आपके पास पड़ी हो, या बनाना बताएं। लेकिन FAQ से पहले हमें डालना पड़ेगा और चीज़ें, ये कस्टमर रिव्यूज डाल सकते हो,
कॉपी इमेज यार इमेज इंसर्ट फ्रॉम यूर ये सारी इमेज आप अपने उस पे अपलोड कर लेना, ठीक है? क्योंकि अगर कोई इस इमेज पर क्लिक करके राइट क्लिक करके जाएगा तो वो डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से आप अपने सारे रिव्यूज़ अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के डाल लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिव्यूज ज़रूर लगा लेना, रिव्यूज़ आपको और खूब सारे लगाने हैं, ठीक है? कस्टमर रिव्यूज़ और लगा लेना, 5-7 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा दिया है, ये सारे ले लेना। बाकी आपके अगर नॉलेज में होंगे कोई तो उनसे करवा लेना, दे देंगे, ठीक है? तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया रेडी। अब बचा FAQ, तो FAQ हम लगा लेंगे। और अगर आप कोई ऑफर क्रिएट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के साथ में, आप कुछ और भी दे सकते हो तो एक ऑफर भी बना लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है? लाइक इसके साथ में आप क्या दे सकते हो, उनको डेटाबेस दे सकते हो, ठीक है? आप इसको अगर 1,000 रुपये में बेच रहे हो तो आराम से आप उनको दे सकते हो डेटा वगैरह, है ना? डेटा आपको वन टाइम परचेज कर लेना है 400-500 रुपये का, 1,000 रुपये का, और उसको आप रीसेल करो, क्या दिक्कत है, ठीक है? तो ये आपका हो गया है रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे फाइनल, मतलब लैंडिंग पेज आपको और थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि आपको इसमें सेल्स लाना है। अब हम ये मान के चलेंगे कि आपका लैंडिंग पेज हो गया है फाइनल। अब हम बनाएंगे इस पर फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्सल वगैरह भी तो सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक हमें पिक्सल बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, हाँ ऐड क्रिएटिव आप बना सकते हो, हाँ इवेंट मैनेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो यार देखो, सब कुछ, सब लोग पहले तो ये लैंडिंग पेज रेडी कर लो, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जिन लोगों का भी बाकी हो कंप्लीट कर लो फटाक से, तब तक हम भी इस पे काम कर लेते हैं। एक रेजर पेपर एक पेज बनाना पड़ेगा, है ना? देखते हैं इस पर कोई रेजर पे अकाउंट हमारे बना है नहीं बना है, इस वाली ईमेल आईडी पर। अगर आपके पास रेजर पे अकाउंट नहीं है तो भाई क्रिएट कर लेना लैंडिंग पे, लेकिन रेडी करो फटाक से। आप लोग बहुत धीरे काम करते हो। इस पर बना है, देखें अप्रूव भी है, माय अकाउंट लाइव है अकाउंट, इस पर हम पेमेंट वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना अपने आप से देख लीजिए, बस ये देखिए यहाँ पर लाइव मोड एक्टिवेट हो बस, ठीक है? अगर लाइव मोड एक्टिवेट है इसका मतलब आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट है, ठीक है? तो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेज बना लेंगे। देखो ध्यान से,
अगर अगर ये अकाउंट आपका बन गया है, ठीक है, अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आजकल थोड़ा दिक्कतें आएंगी, तो रेजर पे पर अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेटिंग में आकर के अपनी जो भी डिटेल है वो डाल देना, जैसे यहाँ पर देखो हमने लोगो डाल रखा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है ना, नोटिफिकेशन। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले के जिसके जिसके अकाउंट बने पड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। नया अकाउंट अगर आप क्रिएट करोगे तो मे बी आपको दिक्कत आए, वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। यहाँ पर आप किस किस तरह की पेमेंट कहाँ कहाँ से लेना चाहते हो, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, हाँ अमेरिकन एमएक्स कार्ड है, ये सब लेना चाहते हो, यूपीआई एक्टिवेटेड है, नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है, ईएमआई ऑप्शन आप एक्टिवेट करा सकते हो, वॉलेट ऑप्शन एक्टिवेट कर लो, है ना। अब ये आप पेटीएम भी इसमें एक्टिवेट करा सकते हो, अपना अकाउंट लिंक कर लो पेटीएम का तो वो भी हो जाएगा, पे लेटर का भी ऑप्शन है, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए आप अपना पेपल अकाउंट इससे कनेक्ट कर लो, तो देखो हमारा ये भी कनेक्टेड है ना, पेपल अकाउंट नहीं कनेक्ट है ना, तो आप इससे पेपल अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पेजेस का ऑप्शन होगा, एक लेफ्ट साइड में देखो कहीं पेज का ऑप्शन है, पेमेंट पेज ये मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी पेमेंट पेज बने हुए हैं, एक नया पेमेंट पेज हम और बना लेंगे, इसको क्रिएट योर ओन पर क्लिक करेंगे, एकदम स्क्रैच से बनाएंगे, और यहाँ पर ये लोगो लगा है प्री ट्यूटोरियल्स का, तो हम इससे नहीं बनाएंगे, हम चाहते हैं कि जहाँ पर नारायण आईटी वाला ले लेंगे, है ना, तो हम तो दूसरा ले लेंगे, बट आप देखो ध्यान से, हम दूसरा वाला रेजर पे पेज ले लेंगे। आप क्या करोगे, अपना रेजर पे पेज बनाने के बाद यहाँ पर टाइटल डाल देना, क्या डब्ल्यू ए सेंडर बॉट, और थोड़ा सा डिटेल डाल देना। डिटेल में आप क्या डालोगे, देखो ये भी एक तरह का लैंडिंग पेज है, ध्यान से देखो ये भी एक तरह का लैंडिंग पेज है, ठीक है। इसमें इसमें आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या फीचर डाल दोगे, फीचर डालने के बाद में आप वीडियो चाहो तो डेमो वीडियो लगा देना, यहाँ पर अपना सोशल मीडिया के लिंक, कॉन्टैक्ट अस का यूआरएल सब कुछ डाल देना, और यहाँ पर फिक्स प्राइस ले लेना, अमाउंट ले लेना, मान लो यहाँ पर हम 999 डाल दिए, 499 डाल दिए। देखो ये चीज़ हम लाइव आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल परफेक्ट तरीके से काम करेगा, तो सब लोग साथ में काम करो ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, सबका सेल आए एक साथ। प्लीज एंटर सपोर्ट डिटेल, सपोर्ट डिटेल में हमने डाल दिया info@eventsoftwares.com, प्राइवेसी पॉलिसी सर वो अपनी वेबसाइट वाला ही हाँ और क्या, प्राइवेसी पॉलिसी अपने पेज वाला ही लगा दो, सपोर्ट फोन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा यार, पहले तो मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन था, बट अभी है, एक स्पेस मैंने टाइप करा और ले लिया, देखो ट्राई नहीं किया था आपने, देखा मैंने सिर्फ एक स्पेस डाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेजेस बना लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपना लैंडिंग पेज बना के एक बार हमें दिखा दो, तो आगे का काम किया जाए फिर। अच्छा सुनो, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाली वेबसाइट है ना, उसमें आप प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपने शॉप बनाई थी ना, उस शॉप में भी जाके इसको आप एड ऑन कर सकते हो, और इस तरीके की देखो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है ना, आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट है, वहां पर आपने लैंडिंग पेज भी बना लेना है, बल्क एसएमएस का बनाया था, बट अभी इसको सर्विस सेक्शन में मत ऐड करना, इसको आप प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड करने से क्या फायदा होगा आपका, कि वहां से डायरेक्टली कोई शॉप कर सकता है इस प्रोडक्ट को, डिटेल आप लैंडिंग पेज की तरह दिखा देना, जैसे लैंडिंग पेज है, इसका एक अलग से लैंडिंग पेज भी बना लेना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस मॉडल्स की कमी नहीं है, मैंने बताया था कि 30 बिजनेस मॉडल मैं दूंगा, लेकिन आपके पास 30,000 बिजनेस मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट चूज करो, वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको बाद में पे करना है जब आपको क्लाइंट से पैसा मिल जाए, तब पैसा मिलने आपको करना क्या है, देखो ये एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोड कैनन पर अवेलेबल है, आपको इस सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल मतलब हर चीज यहां से आपको मिल जाती है, डेमो वीडियो, एफएक्यूज, रिव्यूज, मतलब मेरा कहने का मतलब है अफिलिएट मार्केटिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल ये बिजनेस मॉडल है, कई गुना ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में आपका कुछ नहीं होता है, यहां पर आपका प्रोडक्ट है,
सब कुछ आपका है, हर चीज आपकी है, कहीं पर कोई बैन नहीं है। मतलब आप चाहे तो फेसबुक पर ऐड चलाओ, चाहे गूगल पर ऐड चलाओ, कोई ऐड का बैन नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका है, समझ रहे हो। यहां से आपको परचेज करना है, पूरी कॉपी वीडियो सब कुछ आपको दिया गया है। इसका उठा के लैंडिंग पेज बना लो, इस प्रोडक्ट का उठा के आप फेसबुक का पेज बना लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग रेडी है, यहां से आप अपना पूरा सॉफ्टवेयर की डिटेल डालो और क्या करो, फेसबुक पर ऐड चला दो। बस सिंपल सा तरीका, ऐड चलाओ, डायरेक्ट सेल होगी, मतलब आपको कुछ नहीं करना, घर बैठो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा आपको, एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट के लिए ये काम सेम कर सकते हो, बिना एक पैसा अपनी पॉकेट से लगाए। हाँ, ऐड का तो खर्चा आएगा ना, वो तो खर्चा आएगा, बट वहां से आपको सेल्स भी तो आएगी, पहले ही दिन से आएगी, ये भी तो देखो। अगर अगर आपका बिजनेस मैनेजर एक्टिवेट है तो पैसा आप पे करोगे कब, पे लेटर में ऑप्शन होता है ना, मतलब आपने कुछ खर्च करोगे उसके बाद पैसा कटता है, उसके पहले आपके अकाउंट में पैसा आ चुका होगा, समझ रहे हो, इतना पावरफुल है ये। तो भाई अफिलिएट मार्केटिंग से पहले आप इसको जरूर करें एक बार ट्राई। अफिलिएट मार्केटिंग में कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ पे जीरो कंपटीशन, जीरो कंपटीशन, कोई नहीं है आपके टक्कर में, समझ रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं, और जितना चाहो उतना सेल्स करो बढ़िया इसमें, और आराम से बिजनेस ऑनर लेगा, बहुत आराम से, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपना ये पेज रेडी कर लो, लैंडिंग पेज रेडी कर लो। लैंडिंग पेज जो हमने तरीका बताया है उसी तरीके को फॉलो करना, कोई नया तरीका अपना मत लगाना, अपना नया दिमाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, मैं आपको ला करके भी दिखाऊंगा। ये वाला सब लोग रेडी कर लो। सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, जितना बेहतरीन तरीके से रेडी होंगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स, रिजल्ट और आरओआई आएगा।